चलो तो बच्चों अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, बहुत सारे सवाल लिए थे, एक बेसिक सा सवाल था कि लॉर्ड है जिसको क्या किया है, हिंट कर दिया एक पॉइंट पे, सपोज इनिशियली अ स्ट्रिंग कनेक्टेड था एंड इसको क्या किया, कट किया, तो ये रोटेशनल शू किया, अल्फा क्या है, इनिशियल हिंज फोर्स इनिशियली क्या था, जब नीचे आया तो ओमेगा क्या होगा, उस समय हिंज फोर्स कितना है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए ना 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमने होमवर्क दे दिया, सपोज ये यहाँ पे हिंज नहीं है, क्या हो ये हिंज इसे दूसरे पॉइंट पे है, कितने बच्चों ने घर पे जाके इसको सॉल्व किया, या अभी ब्रेक 15 मिनट का था तो सॉल्व किया, देखो ट्राई नहीं किया, नहीं कुछ नहीं शानी का देखा भी नहीं समझ में आया, अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं समझा, बिकॉज सब एकदम बेसिक था, इसको कट किया, अब पूछा गया ये डिस्टेंस कुछ दे दिया था कितना l by 4 है ना, और पूछा कि व्हाट इज द अल्फा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, mg कहां लगेगा यहां, टॉर्क किसके अबाउट लेंगे, इसके अबाउट, तो टॉर्क हो जाएगा mg into l by 4, L by 4 है ये, इसके बाद टॉर्क लेंगे, दैट इज इक्वल टू I, I into अल्फा, I बता सकता है कुछ कर, I क्या करेंगे, इसके बाद तो याद तो रखना नहीं है, रखने के लिए कहा था ये, और ये ICM पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ML square by 12 ICM plus M D square, यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे L by 4 ही है, कोई भी बच्चा इससे यहाँ से डिस्टेंस ले जाता है, इससे इसके बीच में पहला एक्सिस टर्म लगा देगा तो गलत है ना, सेंटर ऑफ मास लगाना, ये क्लियर, पता ही अल्फा निकल जाएगा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज एसीएम, एसीएम पूछूंगा क्या कहोगे, अल्फा इनटू ये डिस्टेंस एल बाय फोर, ACM निकल गया तो बताओ पूछूंगा कि व्हाट इज एन वाई, निकल गया कि नहीं, क्या लिखेंगे, एन वाई माइनस एम जी नीचे एन वाई ऊपर, सर एन वाई बन रहा था ना, एन वाई बन रहा यहाँ पे, हाँ नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, एन वाई मान लो कि एन वाई ऊपर लग रहा है, मान लीजिए ऊपर mg नीचे, एक्सेशन किधर है, नीचे डाउनवर्ड, नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्शन, दैट इज इक्वल टू m into एक्सेशन, निकल जाएगा, समझ में आ रहा ना, ऑनलाइन में कोई कनेक्ट हुआ क्या, एक का है कार्तिक होगा, यस कार्तिक क्यों नहीं आज, सर वो थोड़ा काम था बाहर जाने का, तो शाम को तो अभी आया घर, अभी तो मैं तुम्हारे घर के तरफ से ही आया, साथ में भी आ सकता, चलो ये कर लिया, ठीक है ना, अब इसी पे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तुम लोग तो प्रैक्टिस करके आए नहीं, चलो यहीं पे कर, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, बच्चों ये ले लेते हैं स्क्वायर प्लेट, ठीक है ना, और देखते हैं इसमें कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं, मैं कोई हिंट नहीं देने वाला हूँ, ये सपोज हिंज कर दिया एक एल पे, और फिर से वही काम कि यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड था, पहले इक्विलिब्रियम में था, उसको क्या किया, इसको कट कर दिया, फाइन हिंज फोर्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कर, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, ये भी देखते हैं, एक गलती
चलो अभी देखो दो तीन बच्चों ने सही सही किया है, सत्यजीत और जय ने एक एक स्टेप लिया, बाकी थोड़ा थोड़ा लिया बाकी और कुछ नहीं किया है। सबसे पहले तो हमने पूछ दिया बच्चों हिंज फोर्स है ना, लेकिन हमने पिछले सवाल में हिंज फोर्स निकालने के पहले कुछ कुछ और कैलकुलेशंस किया था। नहीं इतना आइडिया लग रहा है कि मुझे अल्फा निकालना है, एसीएम निकालना है, एसीएम निकालने के अल्फा चाहिए तो कैसे लिखें अल्फा, डॉट लिखना होगा, किसके अबाउट रोटेट करा है ये तो क्लियर है, किसके अबाउट रोटेट करा है ना। अब स्क्वायर प्लेट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पुश कर यहाँ ध्यान दो, स्क्वायर प्लेट का 2/3 हाँ, ये अगर मान लो सपोज ए है साइड लेंथ है ना, या एल लिखना जो भी दिया जाता है 2/3 एम एस पर, और ये बहुत बार बताया है एकदम ध्यान देना, इतनी बार बताया कि तुम लोगों को तो आना ही चाहिए। सबसे पहले बताया था इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट देखना शिवानंद एम एल स्क्वायर बाई 6, फिर इसके इसके बीच में पैरेलल एक्सिस तो है ना, तो ये और ये पैरेलल एक्सिस तो लगाया है, जय ने भी ऐसे ही शायद निकाला है एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस ये लिखा। एक थ्योरी है जिसको हमने लिखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी टू परपेंडिकुलर, सॉरी इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसमें एक था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा था परपेंडिकुलर, भूल गए आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, अच्छा आई जे परपेंडिकुलर बात है, इतना जल्दी कैसे भूलते हो यार, गाने तो एक बार सुन लेते तो याद हो जाता है, होता है कि नहीं। अभी देखो एक और तरीका बताया था एम एल स्क्वायर बाई 3 एम एल स्क्वायर बाई 3, और यहाँ पे ये भी बताया था इम्पोर्टेंट चीज कि परपेंडिकुलर सिस्टम जब लगा रहे हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रल मास होना जरूरी नहीं है, जो जनरल मिसकंसेप्शन है बहुत सारे बच्चों को रहता है ना, दूसरे दूसरे प्रश्न वो बताएंगे सेंट्रल मास से पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवे तो ये पता होना ही चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन में कुछ कर ही नहीं सकते हो, समझ में आ रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंपॉर्टेंस, ये तो पता होना चाहिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। एनीवे इसके बाद टॉर्क लिखना है, कौन सा फोर्स लग रहा है, अब उसका ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, एम जी लग रहा है लेकिन उसने ये डिस्टेंस ले लिया, उसने लिख दिया एम जी इंटू ये सपोज ए डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा ए बाई रूट टू, ठीक है ना, एम जी इंटू ए बाई रूट टू लिख दिया, ये सही है क्या, नहीं, लाइन ऑफ एक्शन का या अगर लिखना ही ऐसे तो आर क्रॉस एफ, तो आर एफ फिर साइन थीटा लिखेगा, आई बात समझ में पुष्कर, मिस्टेक समझ में आया, R F और साइन थीटा, इसलिए हमने EG क्या बना दिया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे टॉर्क MG इनटू L बाय 2, यहाँ पे A लिख रहा हूँ ये बाय 2, दिस इज टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू I, तो दो बच्चों ने ये सही सही लिखा था MA स्क्वायर इनटू अल्फा, तो अल्फा कितना आ रहा है 3g/4l, l के जगह पे हमने यहां पे लिख दिया, यहां तक क्लियर, क्लियर, द होल बॉडी विल रोटेट, द होल बॉडी विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस विद दिस इनिशियल एंगुलर एक्सिस, व्हाई इनिशियल, बाद में क्यों नहीं रहेगा ये, क्योंकि बाद में इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, mg का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, बट इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है, क्लियर। अब बच्चों मैंने पूछा कि व्हाट इज acm, acm बताना क्या हो जाएगा इसका, अल्फा इनटू r, देखो जय देखो तुमने क्या मिस किया था, इधर होगा डायरेक्शन acm का, इज इट क्लियर, अल्फा इनटू टेंजेंशियल, हां टेंजेंशियल ना ऐसे रोटेट कर रहा है तो रेडियस के, समझ में आया क्या मिस्टेक्स, तूने भी यही मिस्टेक किया था ना, तो एसीएम हो जाएगा अल्फा इनटू आर, अल्फा है बच्चों 3g/4a इनटू आर कितना है a बाई
रूट टू, ये कितना आ जाएगा, थ्री थ्री जी बाई फोर रूट टू, ये एसीएम हो गया। लेकिन डायरेक्शन किधर है, एंगल। अब बताओ मैं, अगर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, एन एक्स सॉरी एन वाई, और क्या निकालना है, एन एक्स, सपोज एन वाई निकालना है, मुझे इस डायरेक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा, एन वाई माइनस एम के। यस, समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ू? yes, तो मैं ही लिखूं या तुम लोग कर पाओगे? कर लेंगे। एम जी, एम जी नीचे बच्चों, माइनस एन वाई दैट इज इक्वल टू एम इनटू एसीएम का। देखो ये एंगल देख लेना, कितना एंगल है ये, 45 डिग्री आ जाएगा, चेक कर लोगे ना, स्क्वायर ऑफ ये एंगल कितना है, 45, एम जी cos 45, सॉरी एम जी ने एम ACM cos 45, क्या ये क्लियर हुआ स्टेटमेंट, एकदम सिस्टमैटिक है यार, थोड़ा सा ध्यान दे दो, एकदम क्रिस्टल क्लियर, और जैसे समझ में आना शुरू होगा, फिजिक्स इतना आसान लगेगा ना, आसान तो नहीं है, डफ है, बट यू विल एंजॉय, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग कि हाँ यार क्या जबरदस्त चीजें कर। बताओ इसमें ईशानी का किस, क्या नहीं आता है तुझे इसमें, लास्ट में नहीं समझा, अभी न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, तो क्या लिखा था, y डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेसिव, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन, लेकिन एक्सेसिव सेंटर ऑफ मास का तो मुझे पता ही था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, इसलिए सारे फोर्सेस किधर का लिखा, y का, mg एन y ऊपर, दिस इज नेट फोर्स इन प्लस mg, अरे एन वाई ऊपर दिखाया ना और एम जी नीचे, है ना कि दूसरा भूल बैठी है, अरे एम जी लग रहा है नीचे, एन वाई लग रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स कितना होगा, माइनस हो गया प्लस होगा, क्यों माइनस होगा, मुझे लगा प्लस होगा, गलती कर दिया मैंने, पक्का नहीं लग रहा, गलती कराया था, प्लस होगा नहीं, इधर एम जी प्लस एंड वाई होगा ना, नहीं सर अपोजिट है ना सर, तो यहाँ तो नेगेटिव, तो बोले थे प्लस होगा, ऐसे एक्चुअली तो कैसे काम चलेगा यार, एम जी नीचे एन वाई ऊपर, तो माइनस ही लिखेंगे ना, देखो यहाँ भी लिखा माइनस, और अगर इंटू लग गया तो बोलो सर वहां पर माइनस होगा ना, तो प्लस बोल देंगे, क्योंकि इससे ये सेंटर ऑफ मास है, ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, ऐसे जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, क्या मिस किया, एक तो आई इम्पोर्टेंट था, दूसरा क्या था, एसीएम का डायरेक्शन किधर, क्लियर, सामने का अभी भी दिक्कत है, एसीएम में जो एक्चुअल डिस्टेंस रहेगा वो ही कैसे रोटेट कर रहा है, वो कौन सा ऐसे रोटेट कर रहा है सर, वो स्क्वायर के जो आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है ना, वो वाला पार्ट की बात, अभी तो पूरा बता दिया बातों में, अभी तो देखो जयदीप थोड़ा सा दिमाग लगा, तुम तो कैपेबल बच्चे हो, तुम लोग हार मान जाते, दैट्स व्हाई तुम लोगों को मुश्किल होती है, ये स्क्वायर प्लेट है, बहुत प्यार से समझाया था, इस एक्सिस के बाद कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस कैसा है बोर्ड के प्लेन में, प्लेट कैसा है बोर्ड के प्लेन में, ये साइड लेंथ अगर एल है, ये हो जाएगा एम, और इसको कैसे माना था बच्चों, इसको समझा रहे थे तो बहुत प्यार से बताया था कि दिस प्लेट कैन बी एज्यूमड एज मेनी दिस टाइप ऑफ, सर वो दो ही आते हैं, वो एन एन स्क्वायर बाय 12 और सी वाला कॉर्नर से, और हां बस, और वो बाकी के जो है ना, जैसे कॉर्नर से लिया, तो सुनो, तो अभी देखो ध्यान से सुनो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, अभी ये एमएल स्क्वायर बाय 12 क्लियर, इसके बाद क्लियर, हां ये भी एमएल स्क्वायर बाय 12,
अब मुझे निकालना है किसके अबाउट है जयदीप, देखो किसके अबाउट निकालना है, अभी भी उसको डांट पड़ी थी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अब इसी चीज के लिए कहा जाता है कि रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, याद आया आई सी एम सॉरी आई एक्स आई वाई दैट इज इक्वल टू आई जेड, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 क्या हो जाएगा, इस बैच में किसी को दिक्कत, दोबारा पूछा तो पक्का से सर फोड़ दूंगा, पक्के से, सानी का ध्यान रखना, हाथ पर भी टूटेगा, जयदीप कोई मर्सी नहीं, दुबला पतला है बेचारा, बहुत होगा, कोई मर्सी नहीं होगा, अब इसके और निकाले तो क्या करेंगे, या तो इसके इसके विषय में पैरेलल एक्सिस थ्योरम या कीड़े मकोड़े वो भी याद कर लिया होगा, चलो तो ये अच्छे से सवाल किया हमने, एक स्क्वायर प्लेट था उसको छोड़ दिया, तो उन्होंने पूछा कि हिंज फोर्स क्या होगा, ये क्या होगा, और अगर मान लो कि रेजोनेंस वाले को मन में यही सवाल पूछना है तो वो ऐसा भी पूछ देगा, बच्चों कि इसको छोड़ दिया तो मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, चलिए मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा और कब होगा ये, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब हो जाएगा बच्चों, जब इसका सेंटर मास सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, इसका सेंट्रल मास, इसका सेंट्रल मास यहां आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, l by root 2, और पहले सेंट्रल मास कितना था, l by 2, सेंट्रल मास कितना नीचे गया है, l by root 2 minus l by 2, गुड, कितना गया है, तो mg into h कितना हुआ, मास इन पोटेंशियल एनर्जी, and that's equal to half I omega square, पर I तो भूलोगे नहीं ना, इतनी डांट पड़ी है तो भूलोगे तो क्या ही यार, सर्व आनी चाहिए, ठीक है ना, पक्का ना, चलो तो ये हमने कर लिया, थोड़े आसान सवाल कर रहे हैं या बुकलेट के सवाल करें, थोड़े क्या करें, बुकलेट के हम करेंगे, किसका स्कूप आउट हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है, कोई डाउट तो चलो बच्चों एक पहले एक और सवाल लेते हैं, ये एच वर्मा का है, बुकलेट का भी है तुम्हारा बच्चों, ये मान लो मास एम है, बीम बैलेंस कर लिया था बट वैसा ही कुछ सवाल, एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ सपोज ले लिया l, या चलो 2l ले लेते हैं, चेंज रहेगा तो कैसे करते तुम लोग, इसका लेंथ हो गया 2l, दैट मींस ये लेंथ कितना हो जाएगा l, और यहां से छोटा सा मास स्मॉल m हैंड कर लिया, लेकिन यहां पे अलग मास है 2m, बताओ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो इसका नाम देते हैं बच्चों ए, और इस ब्लॉक का नाम देते हैं बी, दिख रहा है क्या, हां दिख रहा, सो इसको जस्ट छोड़ दिया तो बी ब्लॉक नीचे आएगा, ए ब्लॉक ऊपर जाएगा, मुझे निकालना बच्चों कि व्हाट इज इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये मासेस को छोटा मानेंगे या स्मॉल मानेंगे कंपेयर टू दिस एंड, ठीक है, दैट मींस वी विल ट्रीट लाइक ए पॉइंट मास, That means, अगर इसका moment of inertia इसके about लिखना है तो क्या लिखेंगे MLS पर, इसका तो क्या लिखेंगे MLS, ठीक है ना, तुम निकालो what will be the initial पहला सवाल just after so, नहीं neglect नहीं करना, mass दे दिया लेकिन uniform है, God कैसा है uniform,
मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो यार, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चे से हम सिस्टमेटिक तरीके से जाए हो ही नहीं सकता तो उसको दिक्कत हो, और ये कर लिया तो ये फिजिक्स का सबसे टफ पार्ट चल रहा है, सबसे टफ पार्ट, तो बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखो बच्चों, इसके किसके अबाउट टॉक, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट मिड पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ पे बच्चों mg फोर्स लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 2mg, इसका टॉक ज्यादा होगा, टॉक तो अपोजिट सेंस में है ना, ये चाह रहा ऐसे रोटेट करे और mg चाह रहा है उल्टा रोटेट करे, तो नेट टॉक क्या बोलेंगे, 2mg * l - mg l, ये समझ में आ नेट टॉक, That is कल तो क्या लिखेंगे 4 ml² by I alpha, है ना एकदम I, देखो सही सही बता रहा है सर, सबसे पहले तो rod का लिखते, rod भी तो rotate कर रहा, rod is also rotating, so capital M, लेकिन L के जगह पे कितना है उसका length 2L का square divided by 12 plus छोटा, इसको क्या कहा है स्मॉल मास, m 2 ml स्क्वायर, उसका 2 ml स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख दूं 3 ml स्क्वायर इनटू अल्फा, बोलो ये सही है कि नहीं, क्लास नोट्स को दो बार रिवाइज कर दो, हर कांसेप्ट तुम्हें मिल जाएंगे, फिर जो भी सवाल तुम करो बेसिक कांसेप्ट सीखना है, सवाल ट्विस्ट रहेगा सीखना सॉल्व, अब बोलो अल्फा निकल गया, यस सर 3m के साथ, अरे इसका ml स्क्वायर और इसका 2ml स्क्वायर तो एक साथ लिख दिया, दोनों l पे ही है ना, m नहीं समझा, इसका इसका ml स्क्वायर और इसका 2ml स्क्वायर, 2m प्लस m के लिए लिखो कुछ लिखो, नॉट का लिखो कैपिटल M, अब मान लो बच्चों इसमें टेंशन है T1 लिख लेते हैं T1 और इस इसमें टेंशन जो है वो है T2, ठीक है, तो मुझे सिर्फ बताना एक चीज, देखते हैं कि कितने बच्चे बताते हैं, T1 जो है T1 वो mg के इक्वल होगा ग्रेटर होगा या लेसर, सिर्फ यही सवाल आयत ने पूछ रहा है कि चाहता कि बच्चे सोचते हैं कहीं सोचते हैं बच्चे विजुलाइज करते हैं कि नहीं ग्रेटर होगा कॉन्फिडेंस के साथ होता, और T2 जो है T2 जो है वो 2mg से क्या होगा बड़ा होगा छोटा होगा T1 छोटा होगा और T1 क्योंकि देखो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना तो इसका ऊपर है, तो T1 सेकंडली mg से तभी तो ऊपर एक्सेलरेट करेगा, और ये नीचे जा रहा है mg जिधर जा रहा है उधर ही है, तो T2 कम होगा तभी तो mg को जाने दिया ब्लॉक 2mg तक, है ना, T2 विल बी लेस देन 2mg, T1 विल बी मोर देन, अब मान लो T1 पूछ दिया, अब चार ऑप्शन है, टाइम नहीं, 5 सेकंड बचे हुए हैं कैलकुलेट करने के लिए, है ना, तो क्या करेंगे, कम से कम हम टिक भी करेंगे तो कौन सा करेंगे जो ग्रेटर,
मान लो एक ही है तो 100% श्योर है, ठीक है, क्लियर। तो हमेशा एकदम दिमाग खुला रखना है, एकदम सोचना कैसे सोच सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, रॉड पे कर लिया, बुकलेट में ऐसे सवाल है कर लो तुम लोग, जो बेसिक सवाल ले रहे हैं, बेसिक सवाल, एक पुली ले लिया, न्यूटन्स लॉ में ये पुली जो होता था वो रहता था मासलेस, स्मूथली मूव कर सकता है ना, आइडियल पुली लेते हैं, बट इस केस में इसका कुछ मास है, इसका कुछ क्या है, इसका कुछ मास है, सपोज पुली इज नॉट आइडियल, बट स्ट्रिंग विल, हाँ स्ट्रिंग आइडियल है बट स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप ओवर द पुली, स्लिप ओवर द वो पुली स्ट्रिंग के साथ, हाँ स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा वहां पे, टाइट है जैसे, हाँ साथ साथ स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, मतलब जब ये जा रहा नीचे, मान लो ये M2 नीचे जा रहा है, ये M1 नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, आगे जाके स्लिप भी होगा, नहीं स्लिप करेगा, नहीं आगे आगे चैप्टर्स में नहीं स्लिपिंग का नहीं रहेगा, स्लिपिंग का रहेगा तो फिर देखेंगे कैसा, तो स्ट्रिंग क्या है, स्लिप नहीं हो रहा, आईटी को चेक करेगा तो कंसेप्ट पे चेक करेगा, वो पूछेगा कि क्या होगा इसी तरह से कैसा होगा, वो तुम उतना कर लोगे। सो अभी हम लोग स्लिपिंग नहीं ले रहे, स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप, दैट मींस साथ साथ रोटेट करेगा ये। अब देखना बच्चों, अगर सपोज ये ए से नीचे जा रहा है तो कंस्ट्रेंट से हम बहुत क्लियरली कहेंगे दिस विल ऑल्सो गो अप बाय सेम एक्सेशन के, कंस्ट्रेंट से बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज Length of the string is constant. तो जितना नीचे आएगा उतना ही इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन ये जो रोटेट कर रहा है तो ये अल्फा और ए में क्या रिलेशन, अल्फा और ए में क्या रिलेशन, ये लिखना है, ओके। तो कंसिडर दिस पॉइंट, एक पॉइंट जो स्ट्रिंग का है और एक दूसरा पॉइंट बच्चों पुली का, ये दोनों टच कर रहा, दोनों टच कर रहा और स्लिप नहीं हो रहा, दैट मींस दोनों का एक्सेशन सेम, दोनों का एक्सेशन कभी स्लिप नहीं हो रहा ना। अब देखिए इस पुली का एक्सेशन कितना है, पुली का एक्सेशन है अल्फा इनटू आर, और इस पॉइंट का एक्सेशन कितना है, ये पूरा स्ट्रिंग इसका भी यही रहेगा, तो ये जो पॉइंट है अभी जस्ट जो टच कर रहा है उसका भी स्लिप नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगी, इक्वल हो जाएंगे, क्या अच्छे समझ में आया, तो दिस इज द कंडीशन दैट स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप, क्लियर। लिख लो, हाँ सर, देखो एक टाइप का सवाल है, बेसिक सवाल है तो एकदम से अच्छे समझना। न्यूटन्स लॉ जब करते थे तो स्ट्रिंग के दोनों तरफ टेंशन क्या लेते थे, इक्वल लेते, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं इक्वल होगा, बिकॉज इसको रोटेट करना है, इसको एंगुलर एक्सेशन होना है ना, दैट मींस इस पर नेट टॉर्क लगना है, जिसको रोटेट करना है ना पुली को, नेट टॉर्क होना चाहिए, अगर टेंशन इक्वल हो गया तो टॉर्क कैसे होगा, तो टेंशन मस्ट बी अनइक्वल, क्लियर। ये तो मान लो बच्चों कि इस पर टेंशन कितना है T1 और इसमें टेंशन हो गया, तो अभी क्लियर हुआ न्यूटन्स लॉ का सवाल रहेगा, इक्वल लेंगे, जहां पे पुली लिखा रहेगा आइडियल है तो ये रहेगा, लेकिन पुली का दिया मास है, पुली का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो टेंशन मस्ट बी डिफरेंट। अब ऐसे ब्लॉक जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, पुली भी एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट मींस पुली पे नेट टॉर्क है,
नेट टॉर्क है, दैट मींस अगर टेंशन इक्वल होंगे तो टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, अनइक्वल होगा। और तुम समझ सकते हो कि अगर ये ऐसे रोटेट करा दैट मींस टी1 का टॉर्क ज्यादा और टी2 का कम। आई बात समझ में? यस, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या लिखे, एकदम ध्यान से समझना, बेसिक है। देवेन न्यूटन्स लॉ भी क्लियर होगा, सारे कांसेप्ट क्लियर होंगे, रोटेशन ध्यान से सुन लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शानिका कभी नहीं समझती। देखो सबसे पहले किसका लिखते हैं, m1 का fd लिखे, m1 का m1 कितना है, m1 जी नीचे t ऊपर ऊपर, बहुत प्यार से समझाया गया। That is equal to क्या जा रहा हूँ? M1A5। ये जय पाटिल बात कर रहा था, जय चंद्र, जय राम दो जय। Clear M1 का? अब ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब लिख लेते हैं पुली का, पुली का है ना, तो पुली कैसे रोटेट करा इधर, तो टॉर्क इस तरफ वाला ज्यादा होगा, मतलब T1 का टॉर्क ज्यादा होगा T2 का, T1 वाले को पॉजिटिव लेंगे। ऐसे अल्फा देखो ऐसा है ना, इधर टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, T1, T1 नीचे है ना, तो T1 माइनस में हरा होगा ऐसा, लेकिन पॉजिटिव। हाँ मतलब ऐसे में तो लिखते हैं, देखो नीचे नेट फोर्स नीचे जाते हैं, इस पर तो मास इंटरसेक्शन, इस पर नेट फोर्स ऊपर तो मास इंटरसेक्शन, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स, क्लियर। एक्सेलरेटी तो T1 into R इधर, अल्फा ये कर रहा है, T2 अपोज कर रहा है, T2 देखो इधर, T2 क्या कर रहा है इधर, तो T1 R माइनस T2 R, ये हो गया नेट टॉर्क दिस वे, इस डायरेक्शन में नेट टॉर्क, जो भी I है, I अल्फा, क्लियर। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, R को नीचे लिख ले जाए इधर, तो T1 minus T2 that is equal to I alpha by R alpha A by R square, alpha को क्या put कर देंगे, A by R square alpha put कर देंगे, clear। अब किस का equations लिखेंगे, M2 का, तो शिवानंद बताना, शिवानंद यस सर, इसका क्या इक्वेशन लिखा है, किधर एक्सेसर है, T2 माइनस M2G ऊपर एक्सेसर, ऊपर लिखते हैं T2 माइनस M2G दैट इज इक्वल टू M2A, और इसको क्या करेंगे, तीनों को देखो ऐड करना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये मॉडिफाई करके इक्वेशन R3, देखो बहुत इजीली कट हो जाएगा, देखना ये T1 T1 गया, क्या बचेगा, M1 minus M2 that is equal to M1 plus M2, ये भी लिख लेते हैं, plus I by और A हो जाएगा common, ये आ जाएगा कितना बच्चों, M1 minus M2G divided by M1 plus M2 plus I by, बोलो ये क्लियर। इसको बच्चों आप शॉर्टकट से भी थोड़ा सा समझेंगे कि अगर न्यूटन्स लॉ रहता सवाल तो ये क्या लिखते हैं, अगर ये आइडियल पूरी होता है तो क्या आंसर होता है, M1 minus M2 G, ऐसा बताया था नेट ड्राइविंग फोर्स टाइप से, M1 से नीचे M2 G, M1 minus M2 G रहता और डिवाइड बाय M1 plus M2, ये दोनों एक्सेलरेट कर रहा था, ऐसा आता था। लेकिन इस सवाल में पूरी का मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो एक और टर्म ऐड हो गया, कौन सा, आई बाय आर, दैट मींस कह सकते हैं कि ये जो पुली है एक मास जैसा बिहेव कर रहा है ना, और उसका मास कितना लिखेंगे, आई बाय आर, फिक्स लेते हैं, आई अब आई जो भी रहेगा आई बाय आर, अब सिचुएशन चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगी, तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, एकदम बेसिक, इसको तो अच्छे समझ में आना चाहिए, 100% समझ में आना चाहिए, पहले पर आदत कभी लगा, चलो 50% भी समझ में आया तो चलेगा। बोलो आशीष क्लियर हो रहा है कुछ, ये चालू है, एक स्कूल सिस्टम बताया था तुम लोगों को, स्कूल मान लो कुछ ऐसा है बच्चों,
और पिछले क्लास में इस पे एक सवाल ऐसा लिया था सोचो कि एक ब्लॉक है जिसमें मास m है और एक दूसरा बच्चों बड़े वाले इस पे स्ट्रिंग रैप है स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप ओवर दिस इसके मास है दोनों का मास दे दिया है सेम और ये रेडियस दे दिया है r दे दिया है 2r इसका भी मास m दे दिया है और ये लिख दिया है कि रेडियस ऑफ जायरेशन h इसका मतलब पता है क्या कहेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन r है मास स्मॉल m है तीनों का मास इक्वल दे दिया तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्पूल बताया था रेडियस ऑफ जायरेशन बताया कि नहीं एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन एम के स्क्वायर के स्क्वायर रेडियस ऑफ जायरेशन है ना तो आर क्या है एम आर स्क्वायर है ना जैसे मैंने बताया था कि एक स्फीयर सॉलिड स्फीयर सॉलिड पूछा गया कि इसके डायमीटर के अबाउट बॉडी के लिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन तो अगर रेडियस ऑफ जायरेशन अगर के है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम के स्क्वायर और हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसके अबाउट दोबारा रिविजन करवा दिया ठीक है चलो तो ये सिस्टम है बच्चों ए और बी है दोनों का मास इक्वल है ये भी इक्वल है स्ट्रिंग विल नॉट स्लिप ओवर द पुली स्लिपिंग नहीं है क्या लगेगा सिस्टम रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा अगर मूव करेगा तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये नीचे जाएगा पक्का यस गुड क्यों नीचे जाएगा बिकॉज इस यहाँ पे देखो कि ये जितना ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा उससे ज्यादा ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा है ना सो ये ऐसे रोटेट करेगा ऐसे रोटेट तो अगर यहाँ भी पूछ दो बच्चों कि इसमें यहाँ पे टेंशन T1 है और यहाँ पे टेंशन T2 और सिंपली पूछ दो कि क्या T1 इक्वल टू T2 होगा तो उस बच्चे बोल देंगे मास इज इक्वल है तो T1 इक्वल टू T2 होगा गलत अभी वो रोटेट कर रहा तो वैसे भी नहीं मानेगा तो T1 क्या हो जाएगा मोर देन mg या लेस देन mg लेस देन T2 लेस देन उसका अपने दोस्तों से पूछ लेना कि क्या ऐसे बता पाते हैं क्या वो चलो तो क्या करते हैं बच्चों इसको देखते हैं लेट्स कि ये रोटेट कर रहा अल्फा से ओके अल्फा से रोटेट कर रहा इसका एक्सेलरेशन ए अगर हुआ बच्चों ए वन तो क्या इसका एक्सेलरेशन भी ए वन होगा या कुछ अलग होगा अलग होगा क्या बात है देखो सानी जब डांट पड़ते थे तो तुम सही सही जवाब देना शुरू करते अलग होगा और कितना होगा ए वन सो कैन बी राइट अल्फा इंटू आर rotation alpha into r yes sir aur a2 kitna ho jayega sanjeev ka alpha into r aayi baat samajh mein ab equations likhte hain b block ka pehle likh le likho yes t1 open b block ka minus mg that is equal to m into a1 a alpha तो m into alpha this is the question one आगे बढ़ते क्या लेते हैं स्पून का लेते हैं तो देखो किसका टॉप ज्यादा है T2 का टॉप ज्यादा है लेकिन T2 कम है ध्यान दिया ना T2 तुम लोगों ने कहा ना mg से कम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा दैट्स व्हाई इसका टॉर्क ज्यादा तो आईटी बहुत घुमा के पूछता है T2 बड़ा या T1 है ना एक ऑप्शन क्या है T2 बड़ा या T1 तो T2 छोटा है बट टॉर्क ऑफ T2 इज मोर तो T2 इनटू T2 माइनस T1 इनटू R T1 इनटू दैट इज इक्वल टू I इनटू और रेडियस ऑफ जायरेशन आर दिया है व्हाटएवर द रेडियस ऑफ जायरेशन या कुछ दे दिया हो जैसा भी हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहां पे मैंने आसान दे दिया एम आर स्क्वायर अल्फा अब यहां से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं बच्चों 2 टी 2
minus T1, that is equal to M, एक आर से आ जाएगा M अल्फा, that is second equation, और third equation बताओ, T N M G minus T2, लेकिन इधर जा रहा है नीचे, एकदम सही बता रहे हो, M G minus T2 equal to M into alpha into R to R. समझ में आया तीसरा इक्वेशन ऐसे लिखना बच्चों ऊपर नीचे जैसे बता रहा हूं लिख लिया अब इसको सॉल्व करना है कितने वेरिएबल्स हैं T1 वेरिएबल है और कौन सा है T2 है और कौन सा है अल्फा A1 A2 को तो ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन क्या कहे बच्चों यहाँ पे देखो माइनस T2 यहाँ पे प्लस T2 है इसको करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहां से T1 यहां से T1 माइनस T1 हां माइनस तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3 से तो सॉल्व कर दो फटाफट सॉल्व कर लो T1 ये सब निकल गया आगे बढ़ते तो अब क्या करते हैं डाउट्स लेते हैं तुम्हारे जो डाउट्स थे तो अभी हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट वीक जब हमारा 13 पर फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा फिर वी विल स्टार्ट कंटिन्यू ऑन दिस ठीक है तो चलो सवाल करते हैं डाउट्स कौन कौन से हैं अरे तो रेल में से भी अरे तो पहले से बुकलेट से कर दो अरे बुकलेट से कर ले कोई भी चल बुकलेट से कर ले पहले बुकलेट से कौन मूवमेंट ऑफ फ्लेक्सल हम को लिखता था हम टाइप करते हैं कितना टाइम है इनकी ऑरिजिन ट्रेसिंग में 5 तुमने कौन सा पूछा था एक्सपर्ट पूछा था तो एक बस एक मिनट में रुक जाओ तुरंत निकल जाती है बस क्या निकल लेने का बस एप्पल का बस ज्यादा डाउट एप्पल देखना है डाउट नहीं है क्या करा एक हॉलो सिलेंडर है सर किस तरह से रोटेट हो रहा है वही समझ नहीं पा रहा हूँ बहुत सिंपल सा ये एक हॉलो सिलेंडर है और इसमें साइड तीन पार्टिकल दिया मैंने पार्ट पढ़ता हूँ क्या दिया इस सॉलिड स्ट्रक्चर सॉलिड सिलेंडर है ऑफ मास 1 पाइवोटेड एट इट्स सेंटर यहाँ पे देखो पाइवोटेड है इसके बाउंड रोटेट करेगा सो पाइवोटेड मतलब उसका पाइवोटेड मतलब सेंटर सेंटर ऑफ मास की तरफ
थोड़ा बैलेंस होगा ना, ऐसे देखो ये है ना ऐसा सिलेंडर ये और इसके बीच में ऐसे रॉड है, इसके बाद रोटेट कर सकता है एक्सिस कौन सा होगा जो सिलेंडर का एक्सिस है उसके बाद ऐसे सपोज सिलेंडर यहाँ पे दो नोब नोब लगा दिया और देखना इसमें शायद ऐसा है और देखो तीन मासेज जोड़ दिए, ध्यान से सुनना, अगर डिस्क यूनिफॉर्म और ऐसे हिंज कर दिया तो वो रोटेट अपने आप नहीं करेगा, बट क्या क्या तीन पार्टिकल है तो तीन पार्टिकल जो लगा है ना एक यहाँ पे लगा एक यहाँ पे लगा ठीक है और एक पार्टिकल्स यहाँ पे लगा तो सोचो देखिए डिस्क जैसा उसमें कहा कि डिस्क है अज्यूम कर लो कि ये डिस्क है और तीन मासेस कहाँ पॉइंट मासेस जोड़ दिया एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो इसके बाद ना तो ये एमजी टॉर्क क्रिएट करना ही है फोन क्रिएट करना ही है इसके बाद टॉर्क लगेगा तो क्या पूछा है सर टॉर्क ने पूछा मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी तो देखिए मैक्सिमम एंगुलर स्पीड अब सोचो ये ऐसे रोटेट किया तो ये इनिशियल सिचुएशन है अभी इनिशियल है ये अब ऐसे रोटेट करेगा तो क्या सिचुएशन हो जाएगा फाइनली सर तीन मासेस ऐसे तीन दो मासेस है ये मान लो वन है ये टू और ये थ्री है क्या आ जाएगा थ्री थोड़ा ऊपर चला जाएगा वन यहाँ पे आ जाएगा और अब समझना इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस निकालना है सिलेंडर का कुछ होगा क्या नहीं होगा अब बताओ एम वन जो है वो नीचे आया और एम थ्री ऊपर गया ये जितना नीचे गया इतना एम थ्री ऊपर गया दोनों का क्या कर नलीफाई कर लेगा तो बचा कौन इफेक्टिवली तो कितना गया आर से एम जी आर ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया लॉस That is equal to half I तो half I में लिखेंगे सिलेंडर का I mr² / 2 प्लस तीनों पार्टिकल तो सेम है 3 m into r² into omega समझ में आया क्या कोई कांसेप्ट है ऐसा जो नहीं जानते हमने शुरुआत ही बच्चों ऐसा किया कि ये सेक्शन या जो है ना वो मेरे फर्स्ट लेक्चर के बाद ही सब कर सकते क्योंकि हमने बल्क पावर एनर्जी में काफी टाइम इन्वेस्ट किया ठीक है तो अगर यहाँ पे करो तो तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा और रोटेशन का तो है ठीक है तो अभी का आज का सेशन इन कर रहा हूँ हेलो वहां से ये कर दूं